और पन्ना जिले के गुनूर क्षेत्र में अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर काम चल रहा है। हालात ये हैं कि ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों में बनाए गए सरकारी भवन खंडर तब्दील हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने मिलकर इन भवनों पर अपने हितैषी लोगों का कब्जा कर दिया, जिसके चलते लाखों की लागत से बने सरकारी भवन खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत बसौरा में ग्राम पंचायत का भवन बनाया गया था, लेकिन उसका उपयोग आज दिनांक तक नहीं हुआ, बल्कि उसमें मवेशी बांधने और भूसा चारा रखने का काम किया जा रहा है। अनादि टीवी की टीम ने जब मौके पर जाकर ये पूरा हाल देखा तो मामला सही पाया गया। प्राथमिक शाला बमुरहा ग्राम पंचायत बसोरा में तीन भवनों पर कब्जा, ककरहटा में बने सामुदायिक भवन पर भी दबंगों का कब्जा बना हुआ है। अच्छा, अभी आपने बताया कि कुछ सरकारी भवनों में भूसा वगैरह रख के कब्जा किया, तो इसके संबंध में आपने बताया कि बमुरहा प्राथमिक शाला में जी सर, और ककरहटा के सामुदायिक भवन, ये पंचायत जी, तो क्योंकि स्कूल वाला मामला है, तो इसमें मैं बीआरसी से और हमारे पटवारी जी से वहाँ की वास्तविक स्थिति पता करता हूँ और पंचायत भवन के लिए सीओ सर को, ये तो खैर हमने अभी देखा नहीं है, जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में कुछ कह सकते हैं। हाँ, खाली पड़ी थी तो लोग उसमें अपना निस्तार कर रहे हैं, अभी कोई उसमें खाली पड़े हैं, कोई काम तो है नहीं है। क्या ग्राम पंचायत तो सरपंच को अधिकार है कि शासकीय बिल्डिंग किसी को भी दे दी जाए जो अपने व्यक्ति है, उन्हीं व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने को? नहीं, हमने किसी को नहीं दी है, अभी इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, अभी किक्का में घुसा ठहर गया। अभी लोग आप लोगों से बताया जब लोगों ने, लेकिन मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि भसा। आप ही तो बोल रहे हैं ना कि हाँ भरा हुआ है, अभी शुरू में तो आप ही बोले हैं। मैंने देखा नहीं कि भसा भरा है कि नहीं भरा। और विनय पांडे हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय पांडे जी, सरपंच सचिव से ऊपर भी अधिकारी बैठे होते हैं, लेकिन सरपंच सचिव के हौसले ऐसे कैसे बुलंद हो जाते हैं कि वो ग्राम पंचायतों में अपनी मनमर्जी करने लगे और अधिकारियों को इसकी भनक ना लगे? जी बिल्कुल जया, मैं बता दूं आपको कि तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं और जो विकास खंड लेवल पर अधिकारी है, डीएम से लेकर तहसीलदार हो या जनपद सीओ, उनसे मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर पर ही ये गांव है। पंचायत में लाखों रुपए की लागत लगा के गांव की सुविधा के लिए, ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत भवन बनवाए गए, सामुदायिक भवन बनवाए गए ताकि लोगों के उपयोग में आ सके, लेकिन सरपंच और सचिव के जो लोग हैं, जो नजदीकी लोग हैं, उनको उनकी साठगांठ से कब्जा और आक्रमण करवा दिए गए हैं, जिससे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें बता रही है कि आज से कुछ वर्षों पूर्व बसौरा में एक पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन पंचायत भवन आज भी एक छोटे से कमरे में चल रहा है, उधर पे नहीं गया और उसके जंगल जाली से है और दरवाजे तक पूरी तरीके से ग्रामीण ले जा चुके हैं और उधर मवेशी बांधे जा रहे हैं। जी जया, तमाम लोगों से कुछ जानकारी दी गई है, एसडीएम से लेके तहसीलदार और जनपद सीओ को भी मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन बस जांच कराने का बहाना बनाते हुए कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा। जी जया जी, शुक्रिया आपका विनय जी ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सरपंच सचिव की मिली भगत के चलते सरकारी जगह पर कब्जे कर लिए गए हैं और अपने चहेतों को सरपंच सचिव ने ये सरकारी भवन जहां पर काम होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम होना चाहिए, वहां पर अपने लोगों को बैठा लिया गया और इस मामले में अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, वातावरण में बड़े पैमाने